उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बुधवार को सर्किट हाउस में माघ मेला 2024 एवं महाकुंभ 2025 के तैयारियों की समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। माघ मेलाधिकारी दयानंद प्रसाद ने माघ मेला के सकुशल आयोजन हेतु की जा रही तैयारियों के बारे में विभागवार कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि माघ मेला के आयोजन हेतु कराए जा रहे सभी विभागों के कार्य 25 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार माघ मेले में कई नए कार्य कराए जाने के प्रस्ताव हैं, जिसमें बिजली विभाग द्वारा प्रमुख स्थानों पर सोलर हाइब्रिड लाइट लगाई जाएगी। कैंपों में MCCB पैनल व DC वायरिंग का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार जल निगम के द्वारा माघ मेले में शुद्ध पेयजल के लिए मेला क्षेत्रों में 10 वाटर ATM लगाए जाएंगे। इस बार पांटून पुलों पर सोलर लाइट लगाई जाएगी। सिंचाई विभाग द्वारा कटान रोकने के लिए नई तकनीक जियो ट्यूब कटर का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार वर्ष पर्यंत मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने का प्रस्ताव है। बैठक में पुलिस अधीक्षक मेला ने सकुशल ढंग से मेला संपन्न कराए जाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को समय से सुनिश्चित किए जाने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पुलिस के साथ साथ जल पुलिस एवं SDRF व अन्य सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। मेले में डीप वाटर बैरिकेटिंग, पार्किंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, खोया पाया केंद्र सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करा ली जाएगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि माघ मेला का आयोजन प्लास्टिक मुक्त हो। उन्होंने मेला क्षेत्र में साइनेज को सही स्थान पर लगाए जाने के लिए कहा, जिससे मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को इधर उधर भटकना न पड़े। उन्होंने माघ मेला क्षेत्र में कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं को अपने कैंप से ज्यादा दूर स्नान के लिए घाटों पर न जाना पड़े, इसके लिए अधिकतम घाट बनाए जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि माघ मेला के आयोजन को महाकुंभ 2025 की तैयारियों के रिहर्सल के रूप में लें। सभी विभागों की माघ और कुंभ मेले को लेकर समीक्षा हुई है, प्रगति ठीक चल रहा है और समय के अनुसार जो तिथि निर्धारित है उस तिथि के अनुसार सभी विभागों ने अपना काम जो कार्य कर रहे हैं स्पीड के साथ काम कर रहे हैं और माघ मेला भी और दिव्य भव्य कुंभ भी आने वाला 2025 में सफल होगा और 2019 का जो भव्यता थी दिव्यता थी उससे भी अच्छा ये कुंभ मेला हो, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। काम हुआ है कोई डेडलाइन अधिकारियों को? हाँ, दिए लगभग दिसंबर 2024 तक ये पूर्ण करना है। बाकी सभी का अपना अपना तिथि है, कोई मार्च में पूरा कर रहा है, कोई नवंबर में, अक्टूबर में, सभी लोग अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। जो अभी है स्पीड ज़्यादा है, जो लोगों ने अभी समय बताया उसे ठीक काम कर रहे हैं। सभी विभाग समय से कार्य पूर्ण करेगा, ये सभी लोगों से आग्रह किया गया कि सभी लोग अपना काम पूर्ण करें, क्योंकि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये जो माघ मेला दिव्य कुंभ होने वाला है, आम यात्री को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, सभी को सुरक्षा का अनुभव और जो आवे तो स्वच्छता, पानी, बिजली, किसी प्रकार की कठिनाई न हो, ये सभी का लाभ सभी को मिले, इसकी चिंता करना है। आने वाले समय में जो हाईवे नेशनल में रोडें भी हैं दूर दूर तक, रायबरेली रोड, बाकी सभी भी सड़कें, ब्रिज भी, ये सभी कंप्लीट दिसंबर मार्च तक 25 तक ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे 2024 के सभी, तो इसलिए सभी की तैयारी पूर्ण हो जाएगी। हाँ, बाढ़ उसके लिए सभी जितने सीवर गंगा में गिरते हैं इसके सभी नाले को टैप किया जाएगा। एक भी नाला 2025 के पहले तक सभी नाले टैप हो जाएंगे और सभी ले चुके हैं, 16 ऐसे नाले अभी बताए हैं, उसका भी DPR बन चुका है, वो भी नाले ले, एक भी नाला शेष नहीं, जो गंगा जी में या यमुना में सभी गिरते हैं वो सभी नाले टैप किए। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत एवं जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने आश्वस्त करते हुए कहा कि माघ मेला के कार्यों एवं महाकुंभ के दृष्टिगत कराए जा रहे स्थायी कार्यों को समय से पूर्ण कराते हुए माघ मेला एवं महाकुंभ को सकुशल, स्वच्छ, सुरक्षित तथा दिव्य एवं भव्य रूप से आयोजित कराया जाएगा। इस अवसर पर महापौर गणेश केसरवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ VK सिंह, विधायक गुरु प्रसाद मौर्य व हर्षवर्धन वाजपेयी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगणों के अलावा ADG जोन भानु भास्कर, मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत,
पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा, आईजी चंद्र प्रकाश, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, नगर आयुक्त चंद्र मोहन गर्ग, पुलिस अधीक्षक मेला राजीव नारायण मिश्रा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।